गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं गोरखपुर विदाउट मनी, और यहाँ पे मेरा दोस्त मिला था, मेरे घर आया था, इसके साथ गए थे बांस को छोला भटूरा वगैरह खाएं, ये भटौली तक मुझे छोड़ दिया है। यहाँ से जाएंगे हम लोग हिच हाइकिंग करके, और यहाँ से एक भी पैसा नहीं देने वाले हैं गोरखपुर जाने के लिए। तो देखिए आज कहाँ तक हमारा सफर फ्री में होता है। प्रियांशु, इसके लिए मैं रेडी हूँ कि नहीं? एकदम रेडी हूँ मैं, कर ये आइडिया भी मेरा ही था। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ऑटो से मत जाओ, तुम्हारा पैसा अबे साले। क्या सीन है कि मतलब प्रियांशु ने बोला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता ये? हाँ, कर सकता। तो दोस्तों ब्लॉग के अंत तक बन रही है, देखिए क्या होता है। ठीक है, चैलेंज कंप्लीट जरूर। यस, चैलेंज कंप्लीट। बाय बाय। अरे तू जा रही? दोस्तों मैं दोस्त चला गया, अभी देखते हैं बाइक वगैरह आती है कि नहीं आती है। यहाँ वेट कर रहे हैं, 10 मिनट हो चुका है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरूर कोई ना कोई तो रोक ही देगा। देखते हैं आज मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ क्या नहीं। नहीं से देख सकते हैं ऑटो वगैरह आ रही है, लेकिन मैं ऑटो में बैठूंगा नहीं, क्योंकि आज मेरा बहुत ही बड़ा चैलेंज है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और देखते हैं आगे जो है बाइक कौन सी आती है, रोकती है कौन, मेरे लिए भगवान है कौन इंसान है। वेट करते करते 10 मिनट हो गया, कोई मिला है नहीं। देखते हैं क्या क्या अभी आगे, तो बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क है ये करना। चैलेंज ले लिया, पब्लिक के लिए तो पूरा करूंगा ही। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक अंदर लोग तक नहीं, ये वाला रोकता हूँ। दोस्तों बुड्ढे वगैरह रोकते ही नहीं है, सब डरते हैं बहुत ज्यादा हमसे, मतलब हमसे नहीं सबसे डरते हैं। लड़के हैं ना तो थोड़ा डर लगता है सबसे, कि गरीब वगैरह ना करे, ये वगैरह मत करे, सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फेस करना पड़ेगा तो करना। एंड तक मैंने याद के देखिए चैलेंज कम्प्लीट कर पाता हूँ या नहीं। नहीं। भैया मिल चुके हैं ये पेट्रोल पंप से, यहाँ से ब्यूरी तक छोड़ेंगे, उसके आगे का सफर देखते हैं हम लोग कैसे सब पूरा करते हैं। एंड तक बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। सो ये मेरा पहला कंटेंट है जो कि एक चैलेंज वाला है। अभी तक मैं नॉर्मल वीडियोस बनाता था, आज मैं आप लोगों के लिए काफी हार्ड चैलेंज लेके आया हूँ। आप लोग जरूर सपोर्ट बना के देखिएगा, वीडियो को वायरल कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो देख सकते हैं यंग बॉय जो कि स्टूडेंट होता है कैसे सफर करते हैं किसी चीज़ को लेके, वो हमेशा फ्री में ही ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत चीज़ें देखी होती है पढ़ाई के साथ, बहुत चीज़ें। तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे CPU लेना है तो पैसा सेव करना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे सपोर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेट्रोल पम्प की बात हम पहले स्टॉपेज पर बता चुके हैं, भ्योरी जो रहा है, ब्यूरी चौरा यहाँ से करीब अभी गोरखपुर 25 किलोमीटर है। तो अगला लिफ्ट कौन देता है देखते हैं। बाकी आप लोग ब्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अच्छा आज का ब्लॉग वाकई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चैलेंज बहुत कम लोग करके डालते हैं, लेकिन मैं डाल के देता हूँ अभी। शॉर्ट ट्रैवल के लिए 30 किलोमीटर के लिए कैसे ही चैकिंग करके पहुँचे, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, प्रेम से बोलेंगे तो भगवान भी उतर जाएंगे। जो बाइक आती है देखते हैं कौन पहले आता है, जो मेरे लिए रुक जाता है और यही रुक जाएगा सीधे गोरखपुर। फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, कोई एकदम दयावान ही होगा रोकेगा, मीठा बोलिए आप लोग, शायद रुक जाए कोई ना कोई बाइक। अभी यहाँ पे भी वेट करते करते 10-20 मिनट हो गए, कुछ मिल नहीं रहा, बट स्ट्रगल है तो करना पड़ेगा ही, चैलेंज आपके लिए तो पूरा करेंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा हो ब्लॉग तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लगता है एक ब्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, बाकी देखिए आगे आगे होता क्या है, काफ़ी ही मजा आने वाला है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। एक अंकल मिल गए, अब गोरखपुर तक डायरेक्ट विदाउट ट्रेवल करेंगे मनी के। भगवान जी ने सुन लिया, चलो भाई देखो अपने क्या। फाइनली दोस्तों एक बाइक मिल गई है, भैया मिल गए, अब सीधे गोरखपुर चलते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ये जो मेरा हार्ड वर्क था बहुत ईजी हो गया, बहुत फास्ट चला रहे हैं भाई ये। हम लोग चलते हैं सीधे गोरखपुर, और मेरा आज का चैलेंज लगने वाला है, और सीधे घर तक जाएंगे पूरा बिना पैसे के। ठीक है, गोरखपुर से भी 2 किलोमीटर अंदर है, वहाँ बिना पैसे के चलते हैं, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ब्लॉग पे आप लोग बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। सिस्टम पार देंगे भगवान, आप दूध भेजो कि हम दूध भेजो, इतना तेज बाइक चला रहे हैं कि डर लग रहा है। अब लग रहा है भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, अगर मर गया तो वीडियो निकाल लेना फोन से। So guys, हालत खराब हो चुकी है, अबव 90 बाइक चला रहे हैं, 90 के करीब है। अब आज के बाद नहीं बैठूंगा किसी के बाइक पे, मर जाऊंगा आज। बस हवा निकल गई। So guys, अभी हम लोग गोरखपुर में एंटर कर चुके हैं, काफी ज्यादा डर लग रहा है, यमदूत है, यमदूत ये बाइक बहुत तेज चला रहे हैं, और आंख रास्ते पानी भी आने लगा। गोरखपुर पहुंच गए, आप देखिए घर तक कैसे पहुंचते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला रोमांचक वीडियो है, एंड तक बने रहिए।
आगे देखिए होता है क्या। क्या बोला तूने? अंकल नहीं है ये, अंकल के अंकल हैं, ऐसे बाइक चला रहे हैं। गाइस ब्यूरी चौराहे से हम लोग आ चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर। धूप काफ़ी ज़्यादा है और अंकल इतनी तेज बाइक चला रहे थे, वो अंकल नहीं थे, यमदूत थे। हमको लगा भगवान दूध भेजेंगे, यमदूत भेज दिए। 90-90 पे बाइक दौड़ा रहे थे, लौंडे क्या भगाएंगे उतना तेज। शाबाश बेटा। तो काफ़ी जान बच गई है मेरी, आ चुके हैं। चैलेंज तो और हार्ड लग रहा है मुझे, अभी गोरखपुर डायरेक्ट एंटर कर चुके हैं। अभी मेरे एक दोस्त का बर्थडे वगैरह है, वो बुला रहा है नौका विहार, तो अब डायरेक्ट वहाँ भी लिफ्ट मांग के चलते हैं और वहाँ जाके ब्लॉग एंड करते हैं। सिटी में हम लोग आ चुके हैं हिचहाइकिंग करके विदाउट मनी, तो काफ़ी फियरेबल चैलेंज था ये। ऐसे चैलेंजिंग वीडियो हो सके तो मैं हफ्ते में कभी डालते रहूँगा। इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करा के दिखाइए। A few moments later. ठेले से पहुँचू क्या? लेकिन अंकल वैसे ही थके हुए, इनको इनसे क्या लिफ्ट मांग के जाऊँगा। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी। 1000 years later. दोस्तों मैं ट्रैवल करते करते फाइनली नौका विहार तक बिना पैसे के पहुंच ही चुका था अपने गांव से। हरामी हो बेटा। हिचहाइकिंग करते हुए और मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, तो काफी ज्यादा बहुत लोग परेशान थे। मैं समझा 15 लोगों का फोन आया था, किसी का रिसीव नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं ब्लॉग करता हूँ एंड। अगर आपको ये चैलेंजिंग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मैं चैलेंजिंग वीडियो महीने में 1-2 लाता रहूंगा। मिलता है दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। दफा हो